अमित यादव, ठीक है, तुम्हारी समस्या जो है पैतृक प्रॉपर्टी की। ठीक, पैतृक प्रॉपर्टी जो होती है वो चौथे घर से देखी जाती है। यहाँ पे लिखा है प्लेजर मदर लैंड एंड व्हीकल। लैंड का मतलब हो गया जमीन जायदाद। ठीक है, तो चौथे घर में तुम्हारे बैठे हैं शनि, और लग्न तुम्हारा क्या है? लग्न है सिंह। सिंह लग्न के अंदर शनि का अच्छे घर में बैठना यानी कि इंसान को जमीन, उस जमीन की वजह से बहुत कष्ट होगा, क्योंकि शनि दो राशियों पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक जहाँ पे वो नीच का होता है, मेष राशि, दूसरा वृश्चिक, वहाँ पर भी वो मंगल के यानी हनुमान जी के अधीन होता है। तुम्हारे हाथ में पैसा मिलने की रेखा दिखा रहा हूँ मैं। देखो, ये मैंने जूम किया और ये भाग्य रेखा के साथ एक सिस्टर लाइन, सिस्टर लाइन हम इसे कहते हैं कि जो उससे पैरेलल जुड़ती हुई रेखा होती है, इसे सिस्टर लाइन कहते हैं। तो ये तुम्हारी भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा पर ये एक सिस्टर लाइन आ गई। देखो, जूम इन जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आप देखो, ये रेखा इसके साथ पैरेलल चल रही है यहाँ से यहाँ तक। ये लेकिन यहाँ पर ये जो कट पड़े हैं, ये कट हैं इस पैसे के मिलने में झगड़े झंझट बदनामी। ये दो रेखाएं इसके साथ ही है, और एक ये रही और एक रेखा ये रही। तो जो छोटे भाई से जमीन के चक्कर में विवाद है, उसकी पत्नी के कारण वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी शनि की महादशा 2025 तक चल रही है। तो 2023 खत्म होने को है, 2025 खत्म होते होते ही तुम इस परेशानी से मुक्ति पा पाओगे, लेकिन तुमको उपाय कुछ करवाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर काम बनेगा। क्लियर? क्लियर।